भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ उत्तराखंड के प्रमुख क्षेत्र जसपुर की नादेही चीनी मिल में, नादेही सुगर चीनी। आज दिनांक 16 जुलाई को सुबह के समय यहाँ मिल परिसर में वन विभाग की टीम द्वारा गुलदार का एक शावक ये जाल में कैद कर लिया। यह वही जगह है जहां गुलदार का शावक वन विभाग की टीम ने अपने जाल में कैद किया। नादेही चीनी मिल परिसर में बताया गया कि पिछले वर्ष से यहां गुलदार घूम रहे हैं। नादेही चीनी मिल परिसर ये गुलदारों की शरण स्थली बना हुआ है। पिछले वर्ष वन विभाग द्वारा मिल प्रशासन की सूचना पर यहाँ गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया था, लेकिन गुलदार पिंजरे में कैद नहीं हो पाया था। तो मेरे सामने है नादेही चीनी मिल के सुरक्षा गार्ड, इनसे बातचीत करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? तस्लीम अहमद। तस्लीम अहमद, तो यहाँ नादेही चीनी मिल आप सुरक्षा गार्ड हैं? जी सर। अच्छा, तो ये जो आज सुबह यहाँ गुलदार का शावक वन विभाग की टीम ने यहाँ अपने जाल में कैद किया, तो इसके संबंध में आप जानकारी दीजिए। 5 बजे यहाँ आए थे तो हमारे सुरक्षा विभाग वालों ने, जो जिनकी 12 साल ड्यूटी थी, उन्होंने यहाँ देखा, और देखने के बाद मेरी ड्यूटी 8 बजे से 4 बजे तक है, तो उन्होंने बताया इस झाड़ में है, तो वो टीम जो है वन विभाग की आ चुकी थी, वो घेरे बैठी रही ने। फिर और दूसरे आदमी आए, वो जाल लेकर लगाया, सब ने मिल के उसको पकड़ लिया, जाल में फंसा लिया। अच्छा, हाँ। तो जो आपसे पहले किन की ड्यूटी थी? वो था, क्या नाम है उसके, मनोज कुमार की ड्यूटी थी आपसे पहले। की ड्यूटी। अच्छा, तो ये उन्होंने देखा होगा इनको? हाँ, उधर से आया था ना, तो उन्होंने फिर और आदमी बुलाए मेन गेट से सुरक्षा। अच्छा, तो ये अकेला था ये शावक? हाँ, अकेला नहीं, तीन थे। मतलब ये शावक की जो माँ, और मतलब ये पूरे दो बच्चे, मतलब एक वो आदादे मादा गुलदार अपने दो बच्चों के साथ यहाँ घूम रही थी। अच्छा, तो ये तड़के 5 बजे देखा उन्होंने, मनोज कुमार ने? 5 बजे जी। अच्छा, 5। तो फिर उसको सूचना दी होगी वन विभाग को? वन विभाग को सूचना दी, तब जाकर वो आए वो लोग, तो वो यहाँ घेर के बैठे रहे। फिर उनकी और पीछे से टीन आई, तो उन्होंने जाल लाए और उन्होंने जैसा फंसा लिया इसी। अच्छा, तो ये पकड़ा तो आपके सामने गया? जी, पकड़ा गया। तो इसकी वन विभाग वालों ने कितनी उम्र बताई होगी इसके शावक की? इसकी उम्र लगभग ये आधा है, लगभग आधा जैसा आधी उम्र हो, यानी कि है 1-1.5 साल का है ना? हाँ, ज़्यादा होगा, ज़्यादा 2 साल के लगभग। 2 साल के जी। अच्छा, तो ये अपनी माँ के साथ ये था और एक शावक और था वो उधर भाग गए थे मेन गेट की तरफ। तो देखिए, अभी इन्होंने ये सुरक्षा गार्ड, क्या नाम बताया? तस्लीम अहमद ने बताया कि यहाँ सुबह ये गुलदार को वन विभाग की टीम ने अपने जाल में कैद किया। तो यहाँ पिछले साल अब से भी देखे जा रहे हैं? वहाँ फैक्ट्री में अंदर देखे जा रहे थे। ये जो है जीएम साहब की हमारे कोठी है यहाँ। हाँ, तो यहाँ तो पहले भी 2-4 बार देखे गए, मगर अब जो तो बिल्कुल वो पकड़ कर ले गए उसे। अच्छा, पिछले साल भी देखे गए कहते यार। अच्छा, तो वो लगाया था पिंजरा? लगाया फैक्ट्री में लगाया था अंदर। तो वहाँ हमारे सुरक्षा गार्ड और ही बताते थे बार, कि यहाँ है और वहाँ है, तो यहाँ में थे, चले जाओ, थे वन विभाग की टीम। अच्छा, अजय पिंजरा लगाया तो? जी, जो वहाँ जो पिंजरा लगाया था पिछली बार, एक उसके अंदर एक बकरी रखी थी, तो वो उसने किसी तरह से वो फंस ना सका, बकरी को खा गया था। ओहो, बकरी को खा गया जी। तो देखिए, इन्होंने बताया कि पिछले वर्ष यहाँ वन विभाग की टीम ने ये गुलदार पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया था, और पिछले में जो बकरी उसके भोजन के लिए लगाई गई थी वह उसे खा गया था और गुलदार नहीं फंस पाया था। तो ये मैं इस समय मौजूद हूँ नादेही चीनी मिल जीएम आवास के पास, यहीं ये गुलदार का शावक पकड़ा गया।
ये नादेही चीनी मिल परिसर में आपको दिखा रहा हूँ। ये नादेही चीनी मिल परिसर में तमाम घास फूस ये खड़ा हुआ है। नादेही चीनी मिल परिसर ने ये जंगल का रूप धारण कर रखा है। और नादेही चीनी मिल के पास ही फीका नदी, नादेही चीनी मिल पास से ये फीका नदी गुजर रही है और फीका नदी के आसपास भी जंगल जैसा वातावरण है, इसीलिए यहाँ ये जंगली जानवरों का के लिए वातावरण बना हुआ है। देखिए नादेही चीनी मिल का परिसर है। इसे जंगल का रूप धारण कर रखा है, इसीलिए नादेही चीनी मिल जंगली जानवरों की शरण स्थली बनी हुई है। ये पिछले वर्ष से यहाँ कई बार गुलदार देखे जा चुके हैं, जिससे लोग दहशत के साय में यहाँ रह रहे हैं। तो मैं फिर इनसे वार्ता करना चाहूँ। तो ये जब से यहाँ गुलदार ये पकड़ा गया है, ये गुलदार का शावक, तो जब से लोगों में डर बना हुआ होगा। हाँ, डर बना हुआ है। अच्छा, और पहले से भी, जब पहले से भी डर था, पिछले वर्ष से भी है? जी जी, पिछले बार से भी डर था। और हिसाब से अपने चौकस होकर काम करें, जी एम साहब भी कहते हैं भाई चौकस रहो। अच्छा, तो अब ये जो और बता रहे हो आके, अभी ये यहाँ गुलदार अभी मतलब ये जो शावक पकड़ा है, इसकी माँ और इसके और परिवार के जो है, तो उनको पकड़ने के लिए वन विभाग से कोई जानकारी? वो कह रहे हैं ना, हम पकड़ के ले जाएंगे, जब इकट्ठे हो जाएंगे तो। अच्छा। कि जाल लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कभी पिंजरा नहीं लगाया? पिंजरा लगा रखा उन्होंने एक फैक्ट्री में। किधर लगा रखा? जिधर प्लांट है। हाँ, अंदर फैक्ट्री में। अच्छा, तो देखिए इन्होंने बताया कि नादेही चीनी मिल के प्लांट में वन विभाग द्वारा पिंजरा लगाया हुआ है, लेकिन उस कितने दिन पहले लगाया? वो तो पिछले साल से लगा दिखे साहब, पिछले साल तो पिंजरे का क्या फायदा, उसमें जब उसमें भोजन नहीं लगाते हो, कुछ भोजन नहीं लगाते, तो वो तो पिंजरा ऐसे ही रखा हुआ। जी जी जी। तो उसका कोई लाभ नहीं। तो देखिए इन्होंने बताया कि पिंजरा पिछले वर्ष से लगा हुआ है, लेकिन उसमें जो है, लेकिन उसमें भोजन की व्यवस्था गुलदार के लिए वन विभाग द्वारा नहीं की जा रही है, खाली पिंजरा रखा हुआ है। अब मेरे सामने हैं भारतीय किसान यूनियन के युवा कर्मठ पदाधिकारी अनिलांश त्यागी जी, इनका घर भी नादेही चीनी मिल के बिल्कुल पास बना हुआ है, इनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। तो त्यागी जी बताइए कि यहाँ जो जंगली जानवर हैं, ये गुलदार यहाँ आज सुबह नादेही चीनी मिल GM आवास के पास पकड़ा गया है, तो इसके संबंध में आप कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ कब से ये देखे जा रहे हैं, क्या है? ये सुना तो पिछले साल से ही है कि गुलदार है नादेही शुगर मिल में, और सरकार की तरफ से, GM साहब की तरफ से पिंजरा भी लगाया गया नादेही शुगर मिल में, लेकिन अभी तक वन विभाग की पकड़ में नहीं आ पाया। और आज जो सुबह ये पता चला कि यहाँ बाघ है या गुलदार है, तो वन विभाग की टीम आई और उस जो शावक था उसे पकड़ा, लेकिन उसे भी वन विभाग की टीम नहीं पकड़ पाई। नादेही शुगर फैक्ट्री के ही दो लड़के हैं, गणेश प्रसाद और विशाल, जिनके द्वारा वो पकड़ा गया। उन दोनों की हिम्मत से वो पकड़ा गया और उस शावक को पकड़ के नादेही चीनी मिल के ही अंदर शावक को छोड़ दिया गया, कि जिससे कहीं उसके
जो माँ है वो किसी व्यक्ति या किसी जानवर पर और हमला ना करे, इस कारण वो फैक्ट्री के ही अंदर छोड़ दिया गया। अच्छा, उसको पकड़ने के बाद यहीं छोड़ दिया? यहीं छोड़ दिया गया। अच्छा, तो वो अभी यहीं हैं आसपास ही? हाँ, फैक्ट्री के ही अंदर हैं, और कहाँ होंगे। अच्छा, तो यहाँ लोग जो काम कर रहे हैं तो वो दहशत के अंदर? दहशत बनी हुई है, लेकिन सरकार की तरफ से या वन विभाग की तरफ से कोई भी अभी एक्शन नहीं लिया गया। जीएम साहब सबसे यही कहते हैं, अपनी सुरक्षा में खुद करो और रात में ज़्यादा ना निकलें, बस यही है। अच्छा, तो वन विभाग की टीम फिलहाल उसको यहीं छोड़ गई है, उसके बाद कोई उसने कोई मतलब इसके पकड़ने का प्रबंध नहीं किया? नहीं, पकड़ने का कोई प्रबंध नहीं किया। यहाँ लोगों ने कहा भी तो यही था कि पहले तो उसे भगा ही रहे थे पकड़ने की बजाय, लेकिन जब यहाँ जनता ने थोड़ा शोर मचाया तो उन्होंने पकड़ा भी या नहीं पकड़ा एक ही बात है, क्योंकि जब वो पकड़ने गए तो लोगों से ये कहने लगे अब बताओ कौन आएगा इसे पकड़वाने, तो दो फैक्ट्री के जिनका नाम मैंने बताया उन्होंने ही मिल के पकड़ा है उसे, और पकड़ के फिर उनके वन विभाग के हवाले किया, वन विभाग ने फैक्ट्री के अंदर ही ले जाके उस शावक को छोड़ दिया। अच्छा, उसको कहीं बाहर भी नहीं छोड़ा, यहीं परिसर में छोड़ा? हाँ, अंदर ही छोड़ दिया कहीं। अच्छा, तो ये बताया गया कि ये मतलब ये कोई मादा गुलदार अपने दो सांपों के साथ? हाँ, दो सांप को देखी गई थी। जो मादा है गुलदार वो अपने दो बच्चों के साथ देखी गई सुबह, पता तो यही चला है बाकी। अच्छा, तो वन विभाग को सूचना दी? वन विभाग को सूचना जीएम साहब और जितने भी पदाधिकारी फैक्ट्री के उन्होंने दी। तो देखिए, अनिलांश त्यागी जी ने बताया कि यहाँ नादेही चीनी मिल में पिछले वर्ष से यहाँ ये गुलदार देखे जा रहे हैं, और जब से ये गुलदार पकड़ा गया यहाँ दहशत का माहौल बना हुआ है। इन्होंने बताया कि वन विभाग की टीम ने उस गुलदार के शावक को यहाँ से पकड़ कर इसलिए कि उसकी माँ कहीं खूंखार न हो जाए, इसलिए उसको नादेही चीनी मिल परिसर में ही छोड़ दिया गया। YouTube चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान।